हेलो एवरीबॉडी, मैं धर्मेंद्र कुमार, आपके अपने चैनल जीके देखो बाय डीके में आप सभी का स्वागत है। और आज की वीडियो में आपको हम सिखाने जा रहे हैं कि आप अपने मोबाइल से ही पूरे उत्तराखंड का एमडीएम रिपोर्ट कैसे दे सकते हैं, पूरे हरिद्वार की एमडीएम रिपोर्ट कैसे दे सकते हैं और पूरे ब्लॉक की जितने ब्लॉक हैं उनकी रिपोर्ट कैसे दे सकते हैं, या फिर जितने भी सीआरसी हैं उस ब्लॉक में उनकी एसएमएस रिपोर्ट कैसे देख सकते हैं, या फिर जितने स्कूलों ने एसएमएस किया है किसने नहीं किया है आप इसको कैसे देख सकते हैं। ये लिंक है हमारे सामने लिखा वेलकम टू एमडी मिड डे मील। इस लिंक को मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करा दूंगा। आप इस पर टच करके इस उत्तराखंड की रिपोर्ट को हर जिले की, हर ब्लॉक की, हर सीआरसी की आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए हम इस पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए आपका लिखा जाएगा, अगर आपको देखनी कि आज 19/5/2023 को, देखो मैं थोड़ा चौड़ा कर देता हूँ, उसको वाइड कर देता हूँ, 19/5/2023 को डेली डाटा ट्रांसफर मोड ऑन 19/5, ये देखना है हमें वाई ग्राफ। अगर आपको ग्राफ के द्वारा देखना है तो आप इसको यहाँ क्लिक कर देंगे, आप उसको पाई रूप में देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक कर देंगे। देखिए जैसे ये है के रूप में, ये देख लीजिए, यहाँ अरुणाचल प्रदेश है, चंडीगढ़ है, अंडमान निकोबार है, सबका ग्राफ देखो आ गया है। ये ग्राफ दिखाई स्टेट वाइज मिड डे मील सर्व इन परसेंटेज 19/5/2000 को, देखो यहाँ ये सब का विवरण देखो खुलकर देखो आ गया है, यहाँ मिड डे मील सर परसेंटेज ये देखो आ गया है। चंडीगढ़ में सबसे ज़्यादा मतलब जो है एसएमएस किया गया है चंडीगढ़ में, ठीक है, और चंडीगढ़ में, अरुणाचल प्रदेश में कम है, हरियाणा में उससे ज़्यादा है, जम्मू एंड कश्मीर में भी है, हरियाणा में भी है। फिर देखिए यहाँ ऐसे देखिए आराम से सबको, उत्तराखंड थोड़ा कम है एसएमएस करने में, तेलंगाना नागालैंड बहुत कम है, मेघालय मध्य प्रदेश ये सब की रिपोर्ट है आपके सामने, ठीक है। स्टेट की तो देखिए स्टेट ही कैसे देखते हैं आज 19 तारीख को, ठीक है। सबसे पहले देखो यहाँ स्टेट को देख लेते हैं, यहाँ सभी स्टेट की रिपोर्ट आसानी से खुल गई है। जितने भी स्टेट में हमारी मिड डे मील यानी कि पीएम पोषण योजना गतिमान है 19 राज्यों में है, ठीक है, इन सब राज्यों के नाम यहाँ देखो लिखे हुए हैं, 19 राज्यों में पीएम पोषण योजना गतिमान है, ठीक है। आप देख लीजिए ये उत्तराखंड की हम बात करते हैं, हमारा राज्य उत्तराखंड है तो 6 नंबर पे उत्तराखंड है, देखो यहाँ 6 नंबर पे उत्तराखंड है, देख लीजिए उत्तराखंड को कुल कितने स्कूल हैं 16,970 जिनमें एमडीएम योजना गतिमान है, ठीक है। कितने लोगों ने एसएमएस किया आज 39,34 यानी 3,934 ने एसएमएस किया है, कितने नहीं किया है 13,036 ने नहीं किया है, ठीक है। सारी रिपोर्ट खुलकर देखो आ जाती है, फिर इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जितने भी उत्तराखंड में जिले हैं उन सब के नाम खुलकर देखो आ जाएंगे। ये देखिए यहाँ 19 तारीख की बात कर रहा हूँ मैं, ये सब देखो यहाँ डिस्ट्रिक्ट खुलकर आ गए हैं, 13 डिस्ट्रिक्ट है हमारे उत्तराखंड राज्य में, 13 के 13 नाम देखो यहाँ आ गए हैं, ठीक है। अब आप देखिए हरिद्वार की रिपोर्ट देख लीजिए, हरिद्वार में 1100 स्कूल है जहाँ मिड डे मील योजना चल रही है, कितने ने एसएमएस किया है 232 ने, 868 ने नहीं किया है, ठीक है। फिर चलिए हरिद्वार में क्लिक कर लेते हैं, यहाँ खुलकर हमारे गए ब्लॉक, जितने भी आपके जिले में ब्लॉक होंगे सब यहाँ खुलकर देखो आ जाएंगे। टोटल स्कूल हर ब्लॉक के यहाँ लिखे हुए हैं, कितनों ने रिपोर्ट किया है यहाँ लिखा हुआ है, कितने रिपोर्ट नहीं किया है यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। फिर आगे चलिए, हाँ अपने ब्लॉक देख लेते हैं, नासन ब्लॉक में कितनी सीआरसी हैं, देखो सबके नाम यहाँ लिखे हुए हैं, सबके नाम यहाँ लिखे हुए हैं जितनी भी सीआरसी हमारे नासन ब्लॉक में है, 9 सीआरसी हमारे नासन ब्लॉक में है, 9 के 9 के नाम यहाँ हैं। अब आप इसे थोड़ा सा सरकाएंगे ऐसे, टोटल स्कूल कितने एक सीआरसी में यहाँ लिखे आ गए हैं, ठीक है। कितनों ने आज रिपोर्ट किया 19 तारीख को आज 4:30 बजे तक, रिपोर्टेड यहाँ लिखा हुआ है, नोट रिपोर्टेड यहाँ लिखा हुआ है,
नंबर ऑफ मील सर्वड यहां लिखा हुआ है, ठीक है। फिर चलिए अपनी सीआरसी को देख लेते हैं। हमारे सीआरसी नारसन कला, नारसन कला सीआरसी में जितने भी विद्यालय हैं उन सबके नाम यहाँ लिखे देखो आ गए हैं, सबके नाम यहाँ लिखे देखो आ गए हैं, ठीक है। अब कितनों ने एसएमएस किया है उन सब का विवरण देखो यहाँ लिखा हुआ है, रिपोर्टिंग स्टेटस यहाँ लिखा हुआ है, नंबर ऑफ मील सर्वड यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। यानी सारी रिपोर्ट आप अपने मोबाइल से ही देख सकते हैं, अपने जनपद की भी, अपने उत्तराखंड की भी, अपने ब्लॉक की भी, अपनी सीआरसी की भी और स्कूल वाइज भी, ठीक है। तो इस प्रकार से आप मोबाइल से ही अपने एमडीएम रिपोर्ट को, एसएमएस करने वाले की कंडीशन को, कितने लोगों ने एसएमएस किया है विद्यालय के यानी हेड टीचर ने, और कितने नार्थन ब्लॉक में कितने स्कूलों ने किया है, हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में कितने ब्लॉक से एसएमएस हुआ है, पूरे उत्तराखंड जनपद में कितने जनपद ने एसएमएस किया है, इन सब की रिपोर्ट आप अपने मोबाइल से ही देख सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको अच्छे लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।